नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं जीवीएन 24। महेंद्रगढ़ शहर में मानसून की पहली बारिश ने नगर पालिका प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। बारिश की वजह से शहर की सड़कों पर जगह जगह जलभराव हो गया है। टूटी सड़कें तालाब के रूप में तब्दील हो गई है। लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शहर का जिम्मा संभाल रही नगर पालिका भी पूरी तरह से पानी में डूब गई है। कार्यालय परिसर में घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे नगर पालिका कार्यालय में आ रहे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महेंद्रगढ़ शहर में मानसून की पहली बारिश ने नगर पालिका प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। बारिश की वजह से शहर की सड़कों पर जगह जगह जलभराव हो गया है। टूटी सड़कें तालाब के रूप में तब्दील हो गई है। चेयरमैन साहब, आज रात को जो पहली मानसून की पहली बारिश हुई, तो आपने देखा कि आपकी नगर पालिका उसमें ही पानी भरा हुआ है, तो बाहर की तो बात ही छोड़ दें, क्या कहेंगे? मैं क्योंकि कल रात से शहर में बड़ी भारी बरसात हो रही, कल शाम से हो रही है और आज सुबह तक जारी थी। आज सुबह मैंने खुद पर्सनल तौर पर अपने जहाँ जहाँ शहर के अंदर पॉइंट भरे हुए हैं, पानी भरा हुआ है जिस जगह पे, वहाँ पर दौरा किया। साथ में मैंने अपने नगर पालिका के जेई और जो कर्मचारी और साथ इसके साथ है जो पब्लिक हेल्थ के एच ओ साहब जी लाल जी और उनके जो कर्मचारी हमारे साथ वहाँ गए, मौलम आए चांद में हमने वहाँ सिक्योर देखा और अनेक जगह देखा, और उसके लिए हमने अभी तुरंत देखते ट्रैक्टर और जो पंप जो ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा दी है, और अभी शायद जो जहाँ जहाँ पानी भरने की व्यवस्था है उसके लिए काम शुरू हो चुका है। सर, दो चीज़ें हैं। पिछले कई सालों से शहर के कुछ पॉइंट है जहाँ जल भराव होता है, जैसे गोविंद नेत्रालय, गंगा देवी पांडे आई हॉस्पिटल है, माईचान मोहल्ला है, अपने बाज़ार में विश्वकर्मा चौक के आसपास है, और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ जल भराव की बड़ी समस्या है कई सालों से, आज तक उस पर संज्ञान नहीं लिया गया, क्या बात है? इस पर पब्लिक हेल्थ द्वारा एक बड़ा प्रपोजल बनाया जा चुका है, चाहे वो गंगा देवी के पास हो, चाहे माचार मोहल्ले के पास हो, चाहे शहर में, चाहे वो बलाई चौक है, ITI रोड, जहाँ भी जल भराव की स्थिति बनती है उसके लिए लगभग एस्टिमेट बनाकर पब्लिक हेल्थ द्वारा सरकार के पास भेजा जा चुका, शायद उसका बजट भी सैंक्शन हो चुका है, जल्दी इस पर कार्रवाई शुरू हो जाए। महेंद्रगढ़ में हर साल मानसून से पहले एक वो सफाई व्यवस्था की हर शहर के नालों की सफाई करवाई जाती है मानसून से पहले, लेकिन इस बार ये सफाई बिल्कुल नहीं हुई, जबकि मानसून का पता अधिकारियों को पहले ही रहता है। वो कुछ इलेक्शन की वजह से लोग जो हमारे जो अधिकारी हैं उसमें व्यस्त रहे, और अब हम जल्द इनके लिए हमने टेंडर जल्दी होने वाले हैं और सर सफाई करवा दी जाए इसको जल्दी जल्दी। एक डिसीजन ये कि अब शहर में जो है बारिश के पानी की निकासी के लिए एक अलग से व्यवस्था, जैसे सीवरेज लाइन है उसी प्रकार से अंडरग्राउंड पानी निकासी की व्यवस्था, तो क्या वो आज शहर में ज़रूरत महसूस हो रही है कि नहीं होगा? नहीं, उसके लिए प्रपोजल बन चुका है, पूरा प्रपोजल बन के शायद महीने या दो महीने के अंदर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा शुरू करवाई जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब शहर की नगर पालिका जिसके कंधे पे शहर की व्यवस्था का भार है उसकी ये हालत है, तो शहर की क्या हालत है? और ये कोई आज नई बात नहीं है, ये नीची है, कमेटी का जो लेवल है बहुत नीचा है, तो इनको ठीक करना चाहिए। और शहर में तो रोड है ही नहीं जो ये देखेगी कहाँ पानी भर रहा नहीं भर रहा है, सब रोड लगभग टूटे हुए हैं, तो बारिश के दिनों में तो पानी जहाँ भरा रहता है वहाँ पैदल चलने में, व्हीकल में चलने में सबको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आप क्या मांग करते हैं? मैं तो मांग कमेटी से यही करता हूँ कि शहर की व्यवस्था दुरुस्त करें शहर के इंटरेस्ट में, और कमेटी की जिम्मेवारी भी बनती है कि शहर को एक साफ सुथरा शहर का रूप दे। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जीवीएन 24।